ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये देखो, इसको ध्यान से देखना, अब ये कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ से। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हम कुछ चालाकी करेंगे, ये चालाकी आपको सीखनी पड़ेगी। ये जो चालाकी है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ जाती है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे पहले तो मैं इसको छाप लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर है वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। अब देखो ये जो वाई जेड है, ये वाई जेड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना कि मेरे पास एक्स की कमी है। अगर एक्स हो जाता मेरे पास तो मैं एक्स वाई जेड बन जाता। इसके पास किसकी कमी? एक्स की कमी है, इसके पास वाई की कमी है, इसके पास जेड की कमी है, तो कुछ ना कुछ कमी है। तो जहां पे जो भी कमी है ना, उसको वो दे दिया करो, है ना। जैसे इसके पास एक्स की कमी है, तो अगर एक्स की कमी है तो आप क्या कर सकते हो, इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और इधर भी एक एक्स आ जाएगा। मतलब मैंने रो वन के अंदर हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर आपको एक्स के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपने क्वेश्चन के साथ ही मतलब छेड़छाड़ कर दिया, वो तो अलाउड नहीं है ना मैथमेटिक्स में, है ना। तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हम, हमने मल्टीप्लाई किया रो वन में और बाहर हमने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे वाई की कमी है, तो वाई की कमी है तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो रो टू को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा और इधर एक वाई आ जाएगा, है ना। तो वाई से डिवाइड भी कर लो। और सिमिलरली इसको जेड चाहिए, तो जेड जेड क्यूब इधर जेड, ठीक है। तो इसमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें वाई के साथ और इसमें जेड के साथ, और बाहर हमने डिवाइड भी कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगले स्टेप में आप क्या करो, अगले स्टेप में ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। और अगले स्टेप में आप यहां पे देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो यहां से कॉमन ले लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो वन वन वन, और ये जो एक्स वाई जेड आपने कॉमन लिया वो इधर बाहर लिखोगे ना, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। मतलब बेसिकली आपके पास जो स्टार्टिंग में था वो कुछ अलग था, लेकिन अब वन 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 आ गया, तो हमने वन 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 कैसे क्रिएट किया, समझ में आया, यही तो चालाकी है। और वन 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 आ गया तो आंखों में चमक, और चालाकी भी काम कर गई, समझ आया, आंखों में चमक आ जानी चाहिए। वन 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 देखते ही दो जीरो बना लो बस, अब इसके बाद क्या ही है, इसके बाद दो जीरो बना लो। दो जीरो कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो, इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब और जीरो, ठीक है। ये आ गया, और ये आ गया, तो यहाँ से आप कॉमन आ जाएगा वाई माइनस एक्स ना, वाई माइनस एक्स कॉमन आएगा। सिमिलरली नीचे वाले में से जेड माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन, इधर जीरो जीरो, और इधर से आपने कॉमन लिया वाई माइनस एक्स, तो बचेगा वाई प्लस एक्स, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। अब ये तो मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, बट आपको चालाकी समझ में आएगी नहीं, वो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो हो ही जाएगा। अब इसको ओपन भी कर लेना, इसके अबाउट ऐसा ओपन कर लोगे तो और आपका फर्दर फैक्टराइज होके यही वाला आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर तो आप मैच करा लोगे, बट ये चालाकी समझ में आई। और ये जो चालाकी है ना, आपको मतलब दो दो स्टेप में भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो। देखो इसी चीज को एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप एग्जाम में वही वाला तरीका यूज करना। बेसिकली इस चालाकी का नाम हमने रखा है एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो, ठीक है, ये सब हटा दो, ये अपना ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, है ना। ये चालाकी क्या है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से वापस ले लो, एक हाथ से देना है दूसरे हाथ से वापस ले लेना है, ठीक है। इस चालाकी का नाम यही है। क्यों ऐसा नाम रखा है? क्योंकि देखो आप इसमें x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये जो रो वन है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई x, इधर वी आर मल्टीप्लाइंग बाई y, इधर वी आर मल्टीप्लाइंग बाई z, है ना। तो आपने यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इधर y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इधर z के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स वाई जेड, तो यहाँ से बेसिकली आपने एक्स वाई जेड सप्लाई किया और यहाँ से वापस ले लिया, तो डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, मतलब बाहर एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या बन गया, ये डायरेक्टली वही बन गया, एक हाथ से आपने दिया और दूसरे हाथ से वापस एक्स वाई ले लिया, है ना, आपने एक्स वाई जेड सप्लाई किया और सप्लाई करने के बाद वापस ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वन 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 आ गया, और अगर वन 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 आ गया तो आंखों में चमक,